बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, लाखों करोड़ दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनके आलोबाद पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका भाई अदील। आप देख रहे हैं पंजाबी चस्का फू। आज हम बनाने जा रहे हैं जी टकाटक। तो उसके लिए मैंने दिल लिए हैं, ये गुर्दे लिए हैं, ये थोड़ी सी पलेटी लेके आए हैं, तो पूरे लिए हैं। तो इसी कारण अगर हमारे चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो इसके लिए इसके छोटे क्यूब्स पहले से काट लीजिए। ये कुर्ते हैं तो दिल और करी जी, साथ में मसाला इसका तैयार करेंगे और चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये बनते भी बहुत ही मज़े के हैं, ये फेमस है गुजरांवाला, गुजरात, लाहौर के। तो आज आपको भी तरीका इसका बताते हैं कि कैसे बनाते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, चूल्हे को मैंने आग लगाई है। तो पहले ये डालेंगे, इसको जैसे तवा ग्रेवी बनाते हैं इस तरह इसको भी हल्का सा पहले करेंगे। ताकि इसके अंदर जो इसके खून है, दूध के अंदर जो मैल वगैरह है वो सारी निकल जाएगी। ये देखिएगा साइड पे सारा कुछ हो जाएगा। तो इस तरह इसको दो से तीन बार पानी निकाल के इसके तरह बनाएंगे। तो इसको तकरीबन 15 सेकंड और रहने देंगे, तो साथ ही इसका पानी जो है वो वेस्ट कर देंगे, फिर नया पानी डालेंगे। ये देखिए अब इसको साइड पे करते हैं और इसके ऊपर ये देखिएगा मैं क्या करता हूँ। ये देखिए इसके ऊपर मैं बाट डाल रहा हूँ ठंडा पानी फिर से, ये ताकि इसके अंदर से जो वो है निकल जाए। तो तवे को साफ कर लेंगे, तवे को साफ कर लो फिर आपको दिखाता हूँ। तो अब फिर इसके ऊपर पानी डालते हैं और इसको इसी तरह तकरीबन 30 सेकंड में फिर पका लेंगे, ताकि इसके अंदर से फिर जो खून वगैरह मैल वगैरह सारी निकल जाएगी, वो भी साइड भी हो जाएगी। वही तरीका दोहराएंगे जो पहले मैंने दोहराया इसको। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तो मैंने इसको तकरीबन 3 बार इसी तरह किया। तो अब इसके अंदर जो डालेंगे मसाले डालेंगे, इस स्टेप पे इसके अंदर डालेंगे जो मसाले, नमक तकरीबन 1/2 टीस्पून इसके अंदर जाएगा, हल्दी जाएगी 1/4 चम्मच, चिली फ्लेक्स जाएगी जी 1/2 टीस्पून, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, 2 उधर टमाटर जाएंगे। तो इसको अब थोड़ी देर के लिए दम लगा देंगे। तो साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगा जी अब अदरक लहसुन का पेस्ट, तो जो मुझे रील्स पे देखते हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें पता चलता है कि हम किस तरह अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपकी कोई फरमाइश है तो आप वो भी बता सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। तो 1 चम्मच जो है वो भर के डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, तो इसको आप मिक्स करते हैं और इसको दम पर लगा देंगे। टमाटर को यहाँ पे इसी तरह हम गलने देंगे जरा, तो इसको आप दम लगा देंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट इसका दम रखेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, देखेंगे पानी माशाल्लाह खुश्क हो चुका है। तो अब इसके अंदर डालेंगे दी ऑयल और इसको यहाँ पे भूनेंगे, साथ डालेंगे मसाले जो रह गए, धनिया, अदरक और हरी मिर्च।
तो मैं इसको थोड़ा इस तरह काट लूँ, फिर आपको दिखाऊंगा। इसके अंदर आप जी डालेंगे जी गरम मसाला तकरीबन हाफ टी स्पून। मसाले जो मैं डालता हूँ वो सिंपल से मसाले होते हैं जो आपके घरों में भी होते हैं। सूखा धनिया एक टी स्पून और इसको अच्छी तरह भून लेंगे। खुशबू मसाला बड़ी प्यारी अच्छी आ रही है। आप इसको घर के छोटे तवे पर ट्राई कर लीजिए अगर आपके पास बड़ा तवा ना हो। बस थोड़ी सी प्याज करनी पड़ती है तो इसको अब फाइनल लुक आने तक मैं भूनता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो मेथी डाल देंगे और इसकी आग जो है बंद कर देंगे। ये जो हमारी रेसिपी है ये मुकम्मल हो चुकी है। मटन टकाटक है जी, लीजिए जी। टकाटक हमारा जो तैयार हो चुका है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए दिन के साथ। जिंदगी में फाके फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।